चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मावा मफिन्स। मावा मफिन्स बहुत ही इजी रेसिपी है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है, और आज हमने एक ट्विस्ट दिया हुआ है, इसे बनाया है हमने बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। आज की जो रेसिपी है वो हमने बनाई है वीट फ्लावर के साथ, और जैगरी हमने डाली हुई है वो भी ऑर्गेनिक वाली। तो आप इसे बहुत ही हेल्दी ट्विस्ट देके बहुत ही बढ़िया सा मावा मफिन घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा मावा। तो यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ ही मावा लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि मावा घर पे कैसे बनता है तो मेरा वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगी। अब इसमें हमें डालनी है फ्रेश कर्ड। यहाँ पे हम कोई हंग कर्ड नहीं डाल रहे हैं, फ्रेश कर्ड जो घर पे बनी हुई होती है वही हम डाल रहे हैं, जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मावा और कर्ड को, मतलब कोई दही को हम मिला रहे हैं। अब ये है ऑर्गेनिक जैगरी, आप कोई भी जैगरी ले सकते हैं, कोई भी गुड़ का पाउडर ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे रेगुलर शुगर पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जैगरी पाउडर। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी रेसिपी डाल दूंगी, और अगर आपको जैगरी पाउडर मैंने कहाँ से लिया उसका ऑनलाइन लिंक चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। फिर हम ले रहे हैं थोड़ा सा बटर। बटर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है, जो हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ना कि मेल्टेड है। तो ये ऐसे सॉफ्ट वाला बटर लेके हमें सभी को पहले अच्छे से विस्क करना है, बहुत ही अच्छे से इनको मिलाना है। 3-4 मिनट मिलाने के बाद आप देखोगे कि आपको ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा कर्डल हुआ दिखेगा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हमने इसमें बटर भी डाला है इसीलिए वो कर्डल हो रहा है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसके आपके टेस्ट या टेक्सचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है वीट फ्लावर, मतलब कि गेहूँ का आटा। अब इस आटे में से मैं 3 बड़े चम्मच, मतलब कि 3 टेबलस्पून जितना आटा निकाल रही हूँ, और उसकी जगह पे हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही फॉलो करें, आप चाहे तो पूरा का पूरा वीट फ्लावर भी डाल सकते हैं, इसकी जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज ट्राई कर रही थी कि इसका टेक्स्चर कैसा आता है, तो आप कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए जितना आपने आटा निकाला है, क्योंकि गेहूं के आटे का जो टेक्सचर है थोड़ा सा डेंस आता है, इसलिए मैंने उसको कट डाउन कर दिया और उसकी जगह पे मैंने मिला दिया था कॉर्नफ्लावर। सभी को अच्छे से छान लेना है, फिर इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और हमारा हीरो इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे कार्डमम पाउडर, मतलब कि इलायची का पाउडर। मावा केक में इलायची का पाउडर बहुत ही ज़रूरी है, इससे उसका अच्छा सा टेस्ट और स्मेल आता है। तो ये सब हमने डालने के बाद छान लिया है, और अच्छे से हमें फिर से एक बार विस्क करना है। अभी हमने इसमें दूध नहीं डाला है, मैं पहले इसको जो हमारा बटर मिक्सचर था उसी के साथ पहले मिक्स कर रही हूँ, फिर हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके दूध ऐड करना शुरू किया हुआ है, एक साथ मत डाल दीजिएगा, थोड़ा सा दूध बाकी रखिए। देखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी या कितनी पतली आ रही है, उसके हिसाब से आपको बाकी का दूध ऐड करना है, क्योंकि आटे आटे में फ़र्क होता है। कभी कभी कोई आटा ज़्यादा पानी या फिर लिक्विड सोक करता है, कभी कभी कम भी करता है, तो इसलिए दूध की कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो आपको अपने हिसाब से डालनी होती है, जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बाकी का दूध भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, अब हम सभी को मिला लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप इसमें ड्राई नट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि पिस्ता या बादाम, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप कोई नट्स इसमें डालते हैं ना, तो वो आटे में आपको उसे कोट करके डालना है, मतलब कि आपके नट्स में आपको 1 चम्मच जितना आटा मिला के उसके बाद उसमें डालना है, ताकि आपके बैटर में वो नीचे बैठ ना जाए। तो अगर आपको डालना है तो डालिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं अभी नहीं डाल रही, मैं सिर्फ उनको ऊपर टॉपिंग की तरह डालूंगी डेकोरेशन के लिए। अब मेरा जो कंसिस्टेंसी जो है बैटर का वो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो मैं 2 से 3 चम्मच जितना दूध और ऐड करूँगी, और उसे इतना आपको बनाना है जैसे कि आपका जो स्पैचुला है ना वो अंदर अच्छे से घूमे, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी भी नहीं रखना है। मावा केक का बैटर जो होता है ना वो बाकी बैटर से थोड़ा सा थिक रहता है। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है, और आज मैं मफिन्स बना रही हूँ इसलिए मैंने मफिन का ट्रे ले लिया है। इस तरह के मफिन लाइनर्स मिलते हैं, तो मेरे पास 2 तरह के थे, मैंने दोनों ही डाल दिए हैं, एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है दूसरे से। तो पहले मैं सारे मफिन लाइनर्स को कैविटीज़ के अंदर फिट कर रही हूँ,
उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। अब बैटर आप अपने हिसाब से चम्मच से भी डाल सकते हैं, आप पाइपिंग बैग में भर के भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे हर बार क्या करती हूँ ना, मेजर करके ही डालती हूँ ताकि इक्वल बैटर आए सारे कैविटीज़ के अंदर और एक जैसा उनका शेप भी आए। तो मैं यहाँ पे 58 ग्राम्स मतलब कि अराउंड 60 ग्राम्स जितना इसमें मेजर करूँगी। आपके कप के लाइनर के हिसाब से आपको लेना है। 56 से 58 के बीच में मेरा नाप रहता है। तो मैं इस तरह से वे करते हुए सारे के सारे 12 कैविटीज़ को मेरे बैटर को भर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से इन्हें भर रही हूँ। अगर आप इसे बिजनेस की तरह बेचना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इसे वे करके ही लेना चाहिए ताकि आपके सारे के सारे मफिन्स जो है वो एक ही मेजर के आए और आप अपने कस्टमर को एक जैसा ही मफिन कप्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कैविटीज़ भर लिए हैं। अब उनको डेकोरेट करने के लिए मैं इस तरह से पिस्ता और बादाम फ्लेक्स डालूँगी। ये बादाम और पिस्ता फ्लेक्स मैंने घर पर ही बनाए हैं, मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ है। बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको घर पर ही बना सकते हैं, आपको बाहर से ख़रीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं सारे के सारे कैविटीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी मात्रा में इस तरह से पहले सारे के सारे पिस्ता फ्लेक्स को डाल दूँगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम फ्लेक्स को। फ्रेंड्स, बहुत बार जो बेकर्स होते हैं ना उनको बादाम के फ्लेक्स घर पे बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया है कि आप विदाउट स्किन के बादाम के फ्लेक्स कैसे बना सकते हैं, आप टोस्टेड बादाम फ्लेक्स कैसे घर पे बना सकते हैं और विद द स्किन भी आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर उसे चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा उसे दबा दिया है फिंगर की मदद से ताकि वो बैटर में चिपक जाए और हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स। फ्रेंड्स, अगर आप इसे बिजनेस की तरह बेचना चाहते हैं ना तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक ओवन में इन्वेस्ट ज़रूर करिए। तो ये देखिए 35-40 मिनट्स के बाद हमारे जो मफिन्स हैं ना वो बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे घर के अंदर और ये बहुत ही अच्छे एक समान फूले हैं। आप देख सकते हैं सभी का जो साइज़ है वो एक जैसा ही है क्योंकि हमने बैटर को अंदाजे से नहीं डाला था, हमने उसे मेजर करके डाला था। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब देखिए हमने बनाए हैं वीट फ्लार के साथ, मतलब कि गेहूं के आटे के साथ, लेकिन इसका टेक्सचर उतना ही अच्छा है जैसा वो मैदे के साथ आता है। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल माइल्ड सा स्वीट है, बहुत ही ओवरली स्वीट नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा कम स्वीट है तो आप उसमें अपने स्वीटनेस की मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ जो आपके बिज़नेस को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे बेकर्स हैं जिन्होंने मेरे रेसिपीज़ को ट्राई करके इतने सारे ऑर्डर्स लिए हैं, स्पेशली मावा केक के। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी और इसके अलावा आप क्या सीखना चाहते हैं। आप मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे लाइव क्लासेस भी लिए हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी घर पे बना सके वैसी रेसिपीज़ हमने बनाई है, जैसे कि होममेड क्रीम चीज़ जिसे यूज़ करके मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने चीज़ केक के ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं और उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया है। तो आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएँगे। हैप्पी बेकिंग।